So we need someone who actually cares for us, not for himself. नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं से। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? स्माइल। कहाँ से आई हो मैम आप? मैं मोहाली चंडीगढ़ से आई हूँ। यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हो? जब से मैं 5 साल की हूँ, उससे पहले भी मैं आती थी अपने मम्मा पापा के साथ। तो संत जी पे कितना विश्वास करते हो आज? बहुत 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 ज़्यादा। क्यों करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? क्योंकि मैंने आज तक जो भी पूरे सच्चे मन से मांगा मुझे वो मिला है। जैसे कि मेरे पापा बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो मैंने दिन रात बस एक ही चीज़ मांगी थी कि वो ठीक हो जाए। और वो एक दो दिन तक इतने अच्छे तरह फिट एंड फाइन हो गए थे कि कभी पता ही नहीं लगा कि वो बीमार हुए थे। मानव तो भलाई के क्या क्या काम कराए हैं उन्होंने? सबसे ज़्यादा पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स भी जाते हैं हर तीन महीने एक ना एक हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट करते हैं। फिर हमें पिताजी ने ये कहा था कि एक हफ्ते में हमें एक दिन व्रत रखना है, और उस दिन जो हम खाना नहीं खाएंगे वो हमें किसी को डोनेट करना है जिसको खाने की सख्त ज़रूरत है। फिर ऊपर से पिताजी हमसे हमारे ब्लड क्या नाम है, जब हमारी डेथ होने वाली होती है तो उस टाइम पे हमसे फॉर्म साइन करवाते हैं कि हम अपने ऑर्गन्स किसी ऐसे बंदे को डोनेट करेंगे जिसके पास है नहीं वो, और वो उनकी हेल्प करेंगे हमारी डेथ के बाद। और भी काफ़ी सारे बहुत अनगिनत पिताजी ने मानवता भलाई के काम करवाए हैं। आज समाज को उनकी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस टाइप का माहौल चल रहा है आजकल, जैसे कि कोरोना का टाइम और पॉलिटिकल लीडर्स के इश्यूज, तो हमें एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल लीडर की ज़रूरत है। और आजकल जैसे जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स चल रहे हैं, दे ऑल गो फॉर मनी एंड फॉर देयर ओन पर्पसेस। सो वी नीड समवन हु एक्चुअली केयर्स फॉर अस, नॉट फॉर हिमसेल्फ। तो एक हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमें एक्चुअल में एक राह दिखाए, सच्चाई का राह दिखाए, हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, एक सही डायरेक्शन दिखाए। उनके ना होने से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। जिस प्रकार जैसे 1300 सौदा जाना ही जाता अपने महानता भलाई के कार्यों के लिए है, जैसे कि हमारी एक फोर्स है जो हेल्प करती है लोगों को, हर नेचुरल कलामिटीज़ में वो आती है हमारे पास, हमारी हेल्प करती है। बट जैसे पिताजी भी नहीं है तो वो इतने ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों को डर भी लगने लग गया है यहाँ पे आने से। कुछ लोगों की फेक न्यूज़ इतनी फैल रही है क्योंकि वो खुद नहीं आ रहे यहाँ पे, बस लोगों की बातों में बहकावों में आके कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो उनकी बातों में आके इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और वो उनको बुरा भला बोलते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं कि जो अपने फैमिली मेम्बर्स जो जाते हैं उनको रोकते हैं, जिस करके कि हम इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे। बट और भी बहुत सारे इश्यूज पिताजी के ना होने की वजह से हैं यहाँ पे। महिलाओं को लेकर कैसी सुरक्षा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट है यहाँ पे महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस टाइप का जैसे माहौल चल रहा है बाहर, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट जैसे ही हम 1300 सौदा में एंटर करेंगे, हम ये बाहर रख के जाएंगे कि यहाँ पे हम बिल्कुल अनसेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ट्रस्टवर्दी है। हम किसी पर भी आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। हर भाई हमारा एक्चुअल में भाई है, हमारा सेफ गार्डियन है वैसा। और इवन मैं 16 इयर्स की हूँ और मैं यहाँ पे अकेले भी आई हूँ, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं बस यही अपील करना चाहूँगी कि अपने फ़ायदे मत सोचो और हमारे लिए भी कुछ करो, क्योंकि हमें अभी एक स्पिरिचुअल लीडर की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।